रूस यूक्रेन जंग में अभी अभी बड़ी खबर सामने आई है। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत सबमरीन में इजाफा हो गया है। ब्लैक सी में रूसी नेवल फ्लीट की गतिविधि तेज हो गई है। नोवोरोसियक नेवल बेस से ब्लैक सी पहुंचा है एक पूरा का पूरा फ्लीट। यूक्रेन पर कभी भी बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है और ये गतिविधियां ब्लैक सी में अचानक तेजी से बढ़ी हैं। इसके क्या संकेत हैं, इसके क्या मायने हैं, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन पर कभी भी बड़े हमले की आशंका अब जाहिर की जा रही है। लेकिन यूक्रेन रूस की जंग में अब तक फोकस डोनबास पर था, वॉर जोन यूक्रेन की जमीन थी। लेकिन अब फोकस बदल गया है और वॉर जोन भी अब बदला है। फोकस अब क्रीमिया पर है और वॉर जोन भी यही क्षेत्र होगा। इस नई रणनीति के तहत रूस और यूक्रेन आगे भी बढ़ चुके हैं, जिसमें यूक्रेन ने क्रीमिया से रूस का संपर्क काटने के लिए जाल बिछाया है, तो वहीं रूस ने इस आशंका से निजात पाने के लिए ब्लैक सी में मोर्चा ले लिया है। और आप ये जानकर ज्यादा चौंक जाएंगे कि इस मोर्चे पर एटमी विनाश के बादल भी मंडरा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन चेकमेट, क्रीमिया थ्रेट, न्यूक्लियर अटैक। 12 जनवरी 2023, ब्लैक सी। काले सागर में समंदर के सिकंदर उतर आए, रूस के युद्धपोत भी सतह पर तैरते नजर आए। जंग में अब तक के सबसे ज्यादा डराने वाले हालात यही है, क्योंकि समंदर में रूस ने हमला किया तो ना फिर सैनिक खोने का डर होगा, ना ही यूक्रेन की जमीन पर रूस को किसी नुकसान का डर होगा। जो होगा वो मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों से विनाश होगा। सबसे बड़ी तबाही का डरावना मंजर होगा। लेकिन सवाल ये है कि यही कदम रूस ने क्यों उठाया? 29 अक्टूबर 2022, सेवस्तोपोल। यूक्रेन ने क्रीमिया के रशियन एयरबेस सेवस्तोपोल पर पहला हमला किया था। यह अटैक हालांकि अपने आप में नाटकीय था, जिसे जंग में बढ़त बता रहे रूस का ध्यान भटकाने के इरादे से किया गया था। इसलिए रूस ने अपना फोकस खेरसोन पर किया और डोनेस्क लुहांस्क में पकड़ ढीली पड़ी और यूक्रेन आगे बढ़ गया। लेकिन यूक्रेन यही नहीं रुका। 18 नवंबर 2022, नोवोरोसिस्क। रूस की पोर्ट सिटी, वो नेवल बेस जहां से ब्लैक सी के रास्ते क्रेमलिन का प्लान एग्जीक्यूट होता है, वहां यूक्रेन ने अटैक किया और फिर रूस का फोकस बंट गया। रूस पर यूक्रेन भारी पड़ने लगा और फिर जो रूस ने मिसाइल की बारिश की वो दुनिया ने भी देख लिया, लेकिन नाकाम ही रहा। और अब एक ऐसी नाकामी से बचने की तैयारी है जिससे समंदर के हालात हाहाकारी हैं। रूस का सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा उसी नोवोरोसिस्क बेस से रवाना हुआ जिसे यूक्रेन ने टारगेट बनाने की कोशिश की थी। हैरानी की बात यह है कि इस विशालकाय जंगी बेड़े ने ब्लैक सी के उस क्षेत्र की तरफ कूच किया है जहां से रूस के सदर्न कमांड बेस की सीमा छूती है, यानी इस पूरी कवायद में फोकस है क्रीमिया, वो जगह जहाँ के सेवस्तोपोल समेत कई ठिकाने यूक्रेन के टारगेट पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्रीमिया ही क्यों? क्या यूक्रेन से जंग क्रीमिया में शिफ्ट हो चुकी है, या फिर यूक्रेन के क्रीमिया प्लान को रूस हर कीमत पर नाकाम करना चाहता है? इस सवाल का जवाब अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं मिला है, लेकिन दोनों तरफ तैयारी क्रीमिया को बतौर केंद्र पेश कर रही है। पहले यूक्रेन की तैयारी देखिए। यूक्रेन को ब्रिटेन ने बेहद घातक चैलेंजर 2 टैंक दिए हैं और बताया जा रहा है कि इन टैंक्स को यूक्रेन क्रीमिया के मुहाने पर तैनात कर रहा है। इस तैनाती का मकसद क्रीमिया को रूस से वापस छीनना है और विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक गेम चेंजर हथियार साबित होंगे।
जंग में क्रीमिया पर फोकस वाला विश्लेषण ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने किया है। उनकी थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश का चैलेंजर 2 टैंक रूस को एक ऐसी सीमा पर समेटने में कामयाब होगा जो यूक्रेन के साथ क्रीमिया को भी मुक्त करता है। उनके मुताबिक यूक्रेन को अगर विकल्प मिले तो चैलेंजर 2 टैंक ज़ेपोरिजिया से मेलिटोपोल तक मोर्चा संभाल सकता है। ये क्रीमिया को रूस से अलग कर देगा। रूस और क्रीमिया का पुल पल भर में ध्वस्त कर देगा। रूस क्रीमिया पर अपना कब्जा खो देगा। अब हो सकता है कि इस दावे के पीछे यूक्रेन की रणनीति और ब्रिटिश टैंक की ताकत हो। इसमें यूक्रेन की रणनीति कितनी कारगर होगी इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले चैलेंजर 2 टैंक की ताकत समझ लीजिए। इस टैंक का वजन 65 टन है, लंबाई 13.5 मीटर, इसकी हाई स्पीड 37 मील प्रति घंटे है। इसमें 4 क्रू है। इसमें 55 कैलिबर की कैनन गन है। इसके अलावा ये एक बख्तरबंद टैंक है। इसके अलावा इस टैंक की खास बात यह भी है कि अब तक सिर्फ एक चैलेंजर 2 टैंक ध्वस्त हुआ है, वो भी 2003 में इराक में चैलेंजर 2 टैंक के प्रैक्टिस अटैक में जानबूझकर उसे तबाह किया गया था। इसलिए माना जा रहा है कि ये टैंक केर्च ब्रिज को तोड़कर क्रीमिया को आजाद कराने में भूमिका निभा सकता है। तो क्या ये संभव है? असंभव कुछ भी नहीं है, जिसका सबूत है रूस का एक्शन। समंदर में हाहाकार मचाता सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, जिसकी तैनाती के पीछे का मकसद क्रीमिया का बचाव हो सकता है। ऐसा क्यों? वो 12 जनवरी को कूच के वक्त दिखे हाहाकारी हालात से पता चलता है। सूत्रों के मुताबिक कूच करने वाले रशियन बेड़े में प्रोजेक्ट 11711 इवान ग्रेन क्लास लैंडिंग शिप प्योत्र मॉर्गोनोव शामिल है। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक सी में प्योत्र मॉर्गोनोव सबसे बड़ा एम्फीबियस जहाज है। इसके अलावा बेड़े में प्रोजेक्ट 636.3 इंप्रूव्ड किलो क्लास 3 सबमरीन भी शामिल थी। अनुमान है कि रूस का ये एक्शन यूक्रेन के मिशन क्रीमिया के जवाब में हुआ है। सूत्रों का दावा यहां तक है कि ब्लैक सी में उतारा गया रूस का बेड़ा न्यूक्लियर अटैक में भी सक्षम है, जिससे पता चलता है कि रूस का इरादा यूक्रेन से ना सिर्फ क्रीमिया की रक्षा करना है, बल्कि न्यूक्लियर वॉर के हालात और डर बनाए रखना भी है। मुमकिन है कि रूस इस तरह के हथियार का इस्तेमाल भी करे, और ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की तबाही भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।